कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मैनचेस्टर इस वेबसाइट के मुताबिक तुम्हारे लगभग विदाउट रेंट 700 पाउंड लगेंगे, जो कि लंदन से बहुत कम नहीं है, 150 कुछ पाउंड का फर्क है, लेकिन रेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो सारा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताता हूँ। यार मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे पढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, थैंक्स। बेसिक डेली नीड्स के हिसाब से देखो तो मैनचेस्टर लंदन से 18.4% सस्ता है, बट अगर रेंट देखो तो मोर देन 40% सस्ता है एज कम्पेयर टू लंदन। तो हम इस 710 पाउंड की फिगर को टेस्ट करते हैं, इस तक कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट आता है, खाना आता है, मिसलिनियस खर्चा आता है, घर का सामान आता है, वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आती है खाना और ग्रोसरीज। तो बेसिकली अगर तुम रोज़ घर पे बना रहे हो ना खाना, तो तुम फिर भी 5 पाउंड पर डे में काम चला सकते हो। मैंने अभी जो नोटिस किया ना मैनचेस्टर में, यहाँ पे ग्रोसरी प्राइसेस तो नीचे है ही, प्लस तुम रेस्टोरेंट वगैरह भी जा रहे हो ना, वो भी खाने के प्राइसेस कम है। सेम स्टोर्स के भी लंदन से पैसे हल्के से कम है। यहाँ पे 260 रुपए का आता है 2 लीटर दूध, 2 पाउंड के 15 अंडे और 85 रुपए में 200 ग्राम ब्रेड। ऑब्वियसली तुम हमेशा घर पे खाना नहीं खाओगे, बाहर भी खाओगे काफी बार, हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 मील तो तुम बाहर खाओगे ही खाओगे, जो की पड़ेगी तुम्हें अराउंड 12 पाउंड पर मील। इसका क्या मतलब हुआ, हफ्ते में तुम्हारा खाने पे खर्चा होगा 66 पाउंड का और महीने में वही खर्चा हो जाएगा अराउंड 285 पाउंड। अब नेक्स्ट चीज आती है ट्रैवल। अनफॉर्चुनेटली मैनचेस्टर में कोई मेट्रो वेट्रो तो नहीं है, ट्रैम्स है। बहुत ही अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे ट्रैम्स का, देखो एक एरी कुछ वहाँ भी खड़ी होंगी स्टेशन पे, और बस वगैरह। टाइम का क्या है, एक बारी में किसी भी एक साइड की जर्नी 1.4 पाउंड की होती है, यानी 140 रुपये, जो कि बुरा नहीं है एक्चुअली। और अगर तुम पूरे दिन का पास लेते हो 2.7 पाउंड हो रहा है, तो 270 रुपये में पूरा दिन कितना भी ट्रांसफर घूमो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये प्राइस सिर्फ जोन 1 के लिए है, जोन 4 तक आते आते ये प्राइस 7.1 पाउंड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट एक और वे में बहुत सस्ता है, यहाँ मैनचेस्टर के शहर में फ्री बसेस चलती है, ये लिखा फ्री बस अराउंड द सिटी। यहाँ भी इनका रूट पड़ता है, वहाँ पे तुम फ्री ट्रैवल कर सकते हो, और अगर तुम चीटिंग करो तो ट्रैम भी फ्री है वैसे तो, चीटिंग ना करो तो पैसे लगते ही हैं, वरना क्या होता कोई चेक नहीं करता, वैसे अपना कार्ड वगैरह लगाना होता है एक मशीन पे चढ़ने से पहले और उतरने के बाद लगा दो, कोई चेक नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम महीने में अराउंड 20 दिन भी ट्रैवल करते हो फ्रॉम होम टू ऑफिस या होम टू कॉलेज, तो तुम्हारे मैक्सिमम 150 पाउंड लगेंगे महीने के। भाई बाल तो कट गए, काफी अच्छे लग रहे हैं। हेयर कट और बियर्ड के मुझे देने पड़े 15 पाउंड। प्योर जिम, जिसकी जिम्स पूरे यूके में फैले हैं, उसकी मेंबरशिप मिलती है लंदन में 45 पाउंड की, बट सेम जिम की सेम मेंबरशिप मैनचेस्टर में मिलती है 25 पाउंड की। तो हेयर कट, जिम, फोन बिल, कपड़े धोने का सामान, बर्तन धोने का सामान, ये सारी चीज़ें, इन सबको एक चीज़ में पूल करके 100 पाउंड का बजट देते हैं पर मंथ का। बच्चे 175 पाउंड, तो तुम शॉपिंग वॉपिंग में, गाड़ी वाड़ी खरीदने जस्ट किडिंग, तो बच्चे वो 175 पाउंड, तो तुम शॉपिंग में ये वो चीज़ें खरीदने में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा खर्चा कहीं ना कहीं हो जाता है, वो तुम लगा ही दोगे। बट बीइंग फ्रॉम लंदन, मेरे लिए यहाँ पे सबसे चीपेस्ट चीज़ पता ही क्या है, और एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे शिफ्ट कर जाऊँ, वो है आपका हाउसिंग का, रेंट का। लंदन में जो मैं अपने इस रूम के पैसे देता हूँ लगभग 1100 पाउंड, उतने में तो मैनचेस्टर में 2 बेडरूम फ्लैट मिल जाता है। ये देखो 1200 पाउंड में 2 बेडरूम 2 बाथरूम फ्लैट मिल रहा है। तो अगर तुम्हें मेरे जैसे शेड हाउस में रहना है ना, यहाँ बर्तन कोई साफ नहीं करता, फिर तो तुम्हें 500 पाउंड से ज्यादा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक रूम तो 500 पाउंड एक्चुअली ज्यादा ही है। अब हम सब कुछ टोटल करते हैं, 285 पाउंड खाने के, 150 पाउंड ट्रैवल के, 100 पाउंड मिसलेनियस, और बाकी अराउंड 175 पाउंड एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह जो भी है, टोटल अराउंड वो 700 पाउंड मार्क तो हमने रीच कर लिया, राइट। अब रेंट का ऐसा है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम बड़े घर में रहना चाहते हो, छोटे में, या कैसे तुम रहना चाहते हो, बट आई वुड से एक बंदे का एक रूम के लिए 500 पाउंड इनफ है, तो टोटल हो गया 1200 पाउंड, मतलब कि 120,000 रुपये महीने का खर्चा मैनचेस्टर में रहने का। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन, तो एक महीना खर्चा आया था 1800 पाउंड, मैनचेस्टर में आया 1200, तो ओवरऑल मैनचेस्टर जो है 30% सस्ता है लंदन से, 600 पाउंड का डिफरेंस है 60,000 रुपये का पर मंथ। मेरा तो बहुत दिल था यार मूव करने का, हो नहीं पाया क्योंकि ऑफिस मेरा यहाँ है तो बहुत कुछ है, बट मुझे मौका लगा तो मैं तो मैनचेस्टर ही जाऊँगा, मैच भी देखने को मिलेंगे यार, क्योंकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। इससे याद आया, अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो जिसमें मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ओल्ड ट्रैफर्ड पे देखने गया था मैनचेस्टर में, वो नहीं देखी है, तो अभी के अभी जाके देखो, और फिर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें मेरा मैनचेस्टर का व्लॉग देखना है तो यहाँ क्लिक करो, और अगर तुम्हें मेरा लंदन की लिविंग कॉस्ट के बारे में वीडियो देखनी है तो यहाँ कर सकते हो क्लिक। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।